आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके व्रत को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए बहुत ही हेल्दी और अमेजिंग इडली की रेसिपी। व्रत में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स का ही हम इसमें यूज करेंगे और एक स्पेशल हम चटनी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया पनीर की हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसे बनाएंगे, जिससे आपकी इडली बहुत ही हेल्दी बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सुपर टेस्टी और हेल्दी इस इडली को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है साबूदाना। इसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसे मैंने अच्छे से वॉश किया और भिगो दिया था। देखिए मैं इसे हाथों से मैश कर रही हूँ, तो ये अच्छे से मैश हो रहा है। इट मीन्स हमारा साबूदाना अच्छे से भीग के तैयार है। तो चलिए इसे साइड पे रख देते हैं अभी। ये मैंने सावक के चावल लिए हैं, इसे हम व्रत वाले चावल भी बोलते हैं, आपके में इसे क्या बोलते हैं। तो इसे भी मैंने 2 घंटे पानी में भिगो दिया था। अच्छा, भीगे हुए चावल की इडली ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है, तो इसीलिए मैं इसे पानी में भिगो के बना रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। सारे सावक के चावल को मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ और इसके बाद हम अपना साबूदाना भी डाल देंगे। तो चलिए साबूदाना को भी मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच यानी 1/4 कप दही डाल रही हूँ। दही से हमारी इडली का जो बैटर है वो फर्मेंट होगा। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 मैंने हरी मिर्च लिया है इसमें डालने के लिए। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड करके स्मूथ इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे बैटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए, बिल्कुल ही स्मूथ हमें बैटर बना के तैयार करना है। इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मैंने बैटर तैयार कर लिया है। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इन द मीनवाइल चटनी बना लेते हैं। एक जार में मैं धनिया डाल रही हूँ, 2 मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ, 1 छोटा टुकड़ा मैं अदरक का डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच मैं दही के डालूंगी इसमें, और थोड़े से मैं क्रश किए हुए पीनट्स डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया चटनी बना के तैयार कर ली है, हमारी व्रत की चटनी, जो इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चटनी तो हमारी बन के तैयार है। चलिए इडली के लिए एक बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करते हैं। ये मैंने पीनट्स लिए हैं, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसे मैं दरदरा कूट के तैयार करूंगी। इसे हमें क्रश करना है। बहुत ही इजीली ये क्रश हो जाते हैं अगर ये अच्छे से रोस्ट किए हुए हैं। देखिए मैं इसे इसी तरह से क्रश कर रही हूँ, इस तरह से हल्का हल्का सा दबा के और कूट के मैं इसे क्रश करूंगी। बहुत ही इजीली क्रश हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने पीनट्स को क्रश कर लिया है। बहुत ही टेस्टी टेस्ट आने वाला है इससे इडली में। बहुत ही बढ़िया लगती है ये इडली के अंदर खाने में, इसकी क्रंचीनेस बहुत ही बढ़िया लगती है। गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी ही बढ़िया मैंने पीनट्स को रेडी कर लिया है। तो चलिए आगे की तैयारी देख लेते हैं। अब एक बाउल में मैं पनीर डालूंगी। ये मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो पनीर को ना हम कद्दूकस करके डालेंगे। कद्दूकस करके ये इक्वल क्वांटिटी में हर जगह फैल जाता है। थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। अब मैंने जो पीनट्स क्रश किए थे वो इसमें मैं 2 चम्मच भर के डाल दूंगी और 1/2 चम्मच मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। चॉप धनिया डाल देते हैं और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग हमारी स्टफिंग तैयार हुई है। ये देखिए कितनी ही बढ़िया लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाली है। इडली में हमें इसे मिक्स करना है और इससे हमारी इडली बहुत ही स्टफ्ड और बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो देखिए कितने ही हेल्दी और घर में ही पड़े इंग्रेडिएंट से हम इडली को तैयार कर रहे हैं, जो हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इडली का बैटर हमारा रेडी है। थोड़ा सा चॉप धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ और जो हमने क्रश पीनट्स किए थे थोड़े से मैं इसमें और डालूंगी, थोड़ी सी क्रंचीनेस और बढ़ाने के लिए। तो पनीर का जो भी हमने मिक्सर तैयार किया था वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे मिक्सर को मैंने अच्छे से इडली के बैटर में डाल दिया है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना ही बढ़िया और हेल्दी हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इडली कितनी ही टेस्टी बनने वाली है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपका व्रत में कुछ अलग से खाने का मन हो। तो आज मैं इसे बनाने के लिए इस इडली मेकर का यूज़ कर रही हूँ। इसे आज हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। आप चाहें तो स्टील की गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले इसमें घी को ग्रीस कर देते हैं अच्छे से। मैं चारों तरफ इस पे घी लगा रही हूँ ताकि हमारी इडली जो है अच्छे से बाहर आ जाए बनने के बाद। तो चारों तरफ मैं अच्छे से घी लगा रही हूँ। तो चलिए घी तो मैंने लगा दिया, अब इसके ऊपर हम इडली का बैटर डालते हैं। लेकिन बैटर डालने से पहले ना हम बैटर में इनो डालेंगे। इनो डालने से अच्छे से हमारा बैटर फर्मेंट होगा। तो इसमें मैं आधा चम्मच इनो डाल रही हूँ। इनो तो आपको पता ही होगा कि व्रत में खा सकते हैं। और इसे अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर आप इनो यूज़ नहीं करना चाहते हैं ना तो 4 से 5 मिनट इस बैटर को अच्छे से फेंटिए, और बिना इनो के भी आप इसे बना सकते हैं, उसमें भी इडली बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चारों तरफ मैं इस तरह से इडली का बैटर डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने चारों तरफ इडली के बैटर को डाल दिया है, और अब मैं दूसरे वाले फ्रेम में भी अच्छे से बैटर को डाल दूंगी और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ। तो बैटर मैंने अच्छे से डाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके नीचे पानी डालेंगे। आपको अगर मालूम हो कि माइक्रोवेव के इडली के सांचे में इस तरह से नीचे पानी डाला जाता है, और ऊपर से इसे मैं कवर कर दूंगी। और अब इसे मैं 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। 6 मिनट में ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो 6 मिनट हो चुके हैं, चलिए इडली को चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितनी ही बढ़िया मेरी इडली बनके तैयार हुई है। ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और इजीली ये बाहर आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पैचुला से मैं इसको अलग कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये अलग हो रही है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है क्योंकि मैंने इसमें घी को ग्रीस किया था। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितनी ही अमेजिंग मेरी इडली बनके तैयार हुई है, कितनी ही बढ़िया और बिल्कुल ही फुली फुली हमारी इडली बनके तैयार हुई है। ये देखिए वाओ, कितनी ही टेस्टी लग रही है ये खाने में, और देखने में ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार एक इडली को दिखाती हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी और सुपर सॉफ्ट हमारी इडली बनी है। ये देखिए मैं इसे हाथों से प्रेस कर रही हूँ, कितनी ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारी इडली बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी ही बढ़िया लग रही है देखने में भी, बहुत ही सुपर सॉफ्ट। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक बाइट हम इसकी लेके देखते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जो हमने चटनी इसकी तैयार की है ना, और जो पीनट्स की क्रंचीनेस इसमें आने वाली है वो बहुत ही टेस्टी है। आप इसको खा के देखिए, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगती है हमारी चटनी के साथ, बहुत ही अमेजिंग चटनी भी हमारी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट।